प्रदेश दिनांक 10 फरवरी दिन बुधवार स्थानीय राजकीय इंटर कॉलेज मैदान सीतापुर भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड निर्माण श्रमिक के हितार्थ संचालित विभिन्न कार्यकारी योजनाओं के लाभार्थियों का श्रमिक जागृत हितवार वितरण समारोह किया गया। मुख्य अतिथि स्वामी प्रसाद मौर्य, मंत्री श्रम सेवा योजना एवं सामान्य विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, नरेंद्र सिंह वर्मा विधायक महमूदाबाद, श्री सुरेश रही, गोविंद भार्गव विधायक सिनौली, एनके पांडे सहायक श्रम आयुक्त लखनऊ, संदीप कुमार मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीतापुर, विशाल भारद्वाज जिलाधिकारी सीतापुर, इन सब के द्वारा वितरण कार्यक्रम किया गया। देखिए हमारे रिपोर्टर रंजनीश कुमार की। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा मुख्य विकास अधिकारी सर से, कृपया जनपद में माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। साथ चलने वाले हमारे छोटे भाई, हम सबके मार्गदर्शक अचिन महलोत्रा जी, उपस्थित यहाँ पर हमारे सभी पत्रकार भाई, सभी हमारे शासन के कर्मचारी, हमारे सभी श्रमिक भाई, कला बांटा गया और रिकॉर्ड तोड़ 5 गुना से लेकर 10 गुना तक ज्यादा रफ्तार में पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में श्रम विभाग तेजी के साथ आगे काम कर रहा है, बढ़ रहा है। श्रमिक विकास की मुख्यधारा में खड़ा हो, श्रमिक का को सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर मिले, श्रमिक की बेटियां और बेटे पढ़ लिख करके अच्छे ओहदों पर जाएं, इस चाहत के साथ श्रम विभाग पूरी निष्ठा के साथ इन योजनाओं को अमली जामा देने में लगा हुआ है। अधिकारी भी हमारे निर्देश पर रात दिन एक कर इन योजनाओं को कारगर तरीके से पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिकरू कांड की जांच अभी पूरी नहीं हो पाई थी, कल एक कागजन में पुलिस का हमला हुआ जिसमें सिपाही की मौत हो गई, तो दरोगा भी। आज मैं श्रमिकों के हित योजनाओं के विषय में लाभ की बात करने आया हूं और इसी संबंध में आप जो पूछ रहे हो। प्रियंका गांधी सहारनपुर दौरे पर, प्रियंका गांधी सहारनपुर दौरे, उनके साथ शोषण होता है, उनकी गाइडलाइन सरकार भी नहीं ला रही है, कैसे उनसे काम किया जाए, जब मान्यता रखाते हैं निकाल देते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आज? रहा आपका उत्तर स्पष्ट नहीं सर। आउटसोर्सिंग इंप्लाई जो सरकारी विभागों में कार्यरत है उनके साथ शोषण हो रहा है, जब मन होता है रखा जाता है, जब निकाल दिया जाता है, स्पष्ट गाइडलाइन क्यों नहीं है सर? आपकी चिंता के पहले मैंने इस पर चिंता कर ली है, पारदर्शी व्यवस्था भी ला दिया है, अब मनमाने तरीके से आउटसोर्सिंग की भर्तियां नहीं होंगी। अब आउटसोर्सिंग कंपनियां जो जैम पोर्टल से अफिलिएटेड होंगी उनके द्वारा ही संपादित किया जाएगा। तीसरी चीज, मनचाहे तरीके से स्वेच्छाचारता के आधार पर अब भर्तियां पूर्ण रूप से रोक दी गई हैं। अब जो भी भर्तियां किसी विभाग में होगी उस भर्ती के सापेक्ष नामों के पैनल की सूची सेवा आयोजन से मांगा जाएगा। जो बेरोजगार नौजवान सेवा आयोजन में पंजीकृत होंगे उसी नामों में से पैनल की सूची जाएगी। हर कहीं पर 10 पद है तो 10 के अगेंस्ट 30 नाम जाएंगे, उसी 30 नाम से उनको 10 रखने होंगे, जिसको भी रखेंगे सेवाजन वेब पोर्टल पर उसकी सूचना देनी होगी, टाइम टू टाइम उनका वेतन जा रहा है कि नहीं, पीएफ कट रहा है कि नहीं, सारी जानकारी उनको शेयर करना होगा। प्रियंका गांधी सहारनपुर दौरे पर है, मंदिर में उन्होंने पूजा भी की और दरगाह पे जियारत भी की, इसको क्या कहेंगे? कल गंगा स्नान का भी उनका कार्यक्रम, किसी के निजी मामले में टिप्पणी जा सकता है।